मौसम सर्द होने लगा है, लेकिन बिहार का सियासी मौसम गर्म नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महिलाओं और जीतन राम मांझी को लेकर माहौल अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब जुबानी जंग का नया मोर्चा खुल गया है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव ने केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल नित्यानंद राय भी उसी यादव बिरादरी से आते हैं जिससे लालू यादव हैं। यादव वोट बैंक लालू की पार्टी आरजेडी का बेस रहा है। अब नित्यानंद के सहारे बीजेपी की नजर यादव वोट बैंक में सेंध लगाने पर है। नित्यानंद ने लालू पर निशाना साधते हुए कहा था कि आपने यदुवंशियों के लिए क्या किया है, कुछ भी नहीं। जब चारा घोटाला में जेल गए थे तो राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाकर गए। राबड़ी से भी अधिक योग्य लोग आपकी पार्टी में थे। यादव कुल के किसी नेता को आपने क्यों सीएम नहीं बनाया, अपनी पत्नी को सीएम बना दिए। लालू यादव ने राबड़ी देवी को सीएम बनाने से जुड़े उनके आरोप का भी अपने ही अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नित्यानंद राय पहले हमारे पास भी आए थे, आज कहते हैं कि राबड़ी देवी को क्यों सीएम बना दिए। अपनी पत्नी को सीएम नहीं बनाते तो क्या उनकी पत्नी को बना देते। लालू के आरोप सच्चाई के कितने करीब हैं, कितने दूर, ये बहस का विषय हो सकता है। लेकिन बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके नित्यानंद राय ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर लालू यादव ने नित्यानंद राय के खिलाफ मोर्चा क्यों खोल दिया। लालू की मंशा बस नित्यानंद राय के वार पर पलटवार तक की ही थी या कहानी कुछ और है। अब लालू यादव ने नित्यानंद राय पर हमला बोला है तो इसके पीछे यादव वोट की दावेदारी को वजह बताया जा रहा है। नित्यानंद राय साफ सुथरी छवि के नेता है। पशुपति पारस के रहते हुए चिराग पासवान की एनडीए में वापसी की पटकथा लिखने में भी नित्यानंद राय का रोल अहम माना जाता है। नित्यानंद को लेकर आरजेडी की टेंशन के पीछे उनका लंबा राजनीतिक अनुभव, संगठन का आदमी होना और साफ सुथरी छवि होना है। नित्यानंद राय साल 2000 से 2014 तक बिहार विधानसभा के सदस्य रहे। वहीं 2014 और 2019 में लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। ऐसे समय में जब लालू यादव और तेजस्वी यादव लैंड फॉर जॉब जैसे मामलों में घिरे हैं, आरजेडी को कहीं न कहीं आशंका है कि नित्यानंद की साफ छवि यादवों के बीच पार्टी की बैठ को कमजोर न कर दे। बाकी आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे खबरों के लिए देखते रहिए समय डिजिटल।